कमांडोज, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सोल्जर लाइफ में। आज एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ में जुड़ गया हूँ। टॉपिक खुशखबरी है, इम्पोर्टेंट है, उन सभी के इंतज़ार को ख़त्म कर रहा है जो SSC GD न्यू वैकेंसी के कर रहे थे। उन नए कैंडिडेट के लिए एक नया फिर से ऊर्जा है। उन पुराने कैंडिडेट के लिए जिन्हें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके लिए भी नई खबर न्यू वैकेंसी के रूप में आया है। कब आया है, कब तक आएगा और कब तक आपका जो रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप कहीं भी नहीं करना, हर एक पार्ट में आपके लिए नॉलेज है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये अकेला चैनल है जो बोलता रहा है हमेशा से कि वैकेंसी नवंबर तक आ जाएगा और आया है। तो आप अगर आपको लगे कि नहीं ये चैनल झूठ बोल रहा है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना। अगर चैनल फर्स्ट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SSC ने एक अपना न्यू कैलेंडर में बताया था कि ये कैलेंडर लगभग सितंबर तक में आ जाएगा और वो आ गया, न्यू कैलेंडर जारी किया है। उसमें उसने बताया है कि SSC GD न्यू वैकेंसी कब आएगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका रिटर्न होगा, ये पूरी जानकारी उसने बताया है। उससे पहले इस नोटिफिकेशन से एक चीज़ क्लियर हुआ कि ये जो भी आने वाला वैकेंसी है वो भी फास्ट मूड में ही है। SSC वो भी जो लेने वाला है वो फास्ट मूड में, कहीं पर ये नहीं कि अभी रिटर्न हो जाएगा फिर आपको फिजिकल टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसका एक दो रीज़न है कि 2024 में चुनाव है। आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि चुनाव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके वीडियो आपके वैकेंसी पर। तो SSC चाह रहा है कि आप सभी को जो चुनाव तक लगभग आपकी जो प्रोसेस है फिजिकल कंप्लीट करवा लिया जाए और चुनाव जैसे ख़त्म, मतलब लगभग जैसे इस न्यू 2022 वाले वैकेंसी के साथ हुआ है, जो प्रोसेस मुझे लगता है जिस जिस महीना में हुआ है सेम आपका भी रिपीट होने वाला है। सेम क्यों, इसलिए कि 2022 वाले अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं तो 2021 वाले का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, वो भी अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट उनका POP है, पासिंग आउट परेड है। तो सेम वैसी कार्रवाई कर रहा है जैसे कि आपके साथ होने वाला है, वैसे ही कार्रवाई अभी हुआ है, वैसे ही आपको साथ होने वाला है। तो अभी डर जो कि क्या होगा, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। वैकेंसी तो आ गया, वैकेंसी की खुशखबरी आ गई, कितनी आए हैं अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आ गया ये तो कंफर्म है, थप्पा लग गया ये कंफर्म है, तो एक खुशखबरी तो आपके लिए आया है। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे पास होना है, पास होना है, पास नहीं होना है, पास तो यार सब हो जाते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हम सब कुछ पास हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और लास्ट टाइम जब हमारा मेरिट लिस्ट आता है तो हम आउट हो जाते हैं, तब दुख लगता है कि यार काश मैं और मेहनत किया होता और अच्छे से तैयारी किया होता तो मैं मेरिट लिस्ट से तो आउट नहीं होता। तो आप सिर्फ ये सोचना, आपको मैंने टारगेट लेके चलना है कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा और रनिंग करना शुरू कर देंगे। मेरे चैनल से जो भी जुड़े हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी रनिंग करना नहीं शुरू करना। आप फौजी तो बनोगे, उसके लिए फिजिकल तो चाहिए, लेकिन सरकार या न्यू पैटर्न जो बता रहा है वो सिर्फ फोकस कर रहा है आपके रिटर्न पे। अगर आप रिटर्न तैयारी नहीं अच्छे से कर पाते हो, आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, तो फिर आपको फिजिकल देने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलेगा। तो अभी फिजिकल का आप सब जानते हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग बहुत टफ नहीं है, लाइक आर्मी का आप सब जानते हैं टफ होता है, लेकिन ये उतना टफ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू 15-20 दिन तैयारी करेंगे तो निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो आप मेन फोकस किस पर कर रहे हैं, रिटर्न पे। खूब ढंग अच्छे से तैयारी करो। मैंने आपको बताया है कि किस किताब से तैयारी करना है, कितने घंटे तैयारी करना है। अगर आप मेरी बात मान के उतना ही कर लोगे, कंफर्म आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन पर या खुशखबरी पर, इसे खुशखबरी ही बताते हैं। SSC ने जो अपना न्यू कैलेंडर जारी किया उसमें बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर को आ जाएगा। वैकेंसी को लेके कि कितना है, क्या है, नहीं है, सारे कुछ 24 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। एक तो ये बताया कि आपको 24 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग 28 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। वो भी बता दिया कि आपको 28 दिसंबर तक अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको नहीं मौका मिल सकता है। तो 28 दिसंबर तक आपको अप्लाई करने का है। एक और चीज़ बताया कि जो एग्ज़ाम होगा वो सेम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसे हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही होगा आपके साथ, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग फरवरी टू मार्च में हो जाएगा। अगर आप फरवरी टू मार्च का नाम लेता हूँ तो आप इस पिछले वाला का भी देख लेना, उसका भी लगभग फरवरी टू मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और आपका भी, और मतलब रिपीट होगा, जो इस बार हुआ है सेम रिपीट आपके साथ होने वाला है, ये आप याद रख लेना, सेम रिपीट होगा। मतलब
मई तक आपकी जो कार्रवाई है, या जून तक, जैसे जुलाई तक अभी हुआ है, जुलाई तक आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट का सेम ही ऐसी प्रोसेस में आप भी रहोगे। इस टाइम में आपका भी मेरिट लिस्ट आ गया होगा और आप जॉइन लेटर का इंतज़ार करते रहे होंगे 2024 में। तो ये क्लियर है इस चीज़ से। दूसरी चीज़ की जो आ रही है कि जितनी प्रोसेस होने वाली है वो फास्ट मूड में होने वाला है। ये नहीं लटके, ये ओल्ड नहीं है, पुरानी कंडीशन नहीं है, एक नई वैकेंसी के रूप में एक न्यू, आप सब देख रहे हैं कि SSC कितना टफ वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ऐसे ही होना चाहिए। पोस्टपोन की जगह पर पहले दे रहा है, तो ये अच्छी बात है, अच्छे कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव है। और जिन कैंडिडेट का पिछले बार नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में आउट है, तो आप दिल से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास। आपने देखा है, आपने सब कुछ किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर दिल से कीजिए और आपको कंफर्म इस बार हो जाएगा। तो ये खुशखबरी आपको कैसा लगा ज़रूर प्यार से कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट अभी भी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।